हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और दोस्तों अच्छे रहने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है हमारे पैन कार्ड में जो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होता है, चाहे जैसे फोटो हो जाए, वो सिग्नेचर हो जाए, वो आधार कार्ड हो, इन सबको दोस्तों वहाँ पे जो है साइज मेंशन जरूर किया होता है, लेकिन हमें जो है आइडिया नहीं लगता है कि उसको जो है हम कैसे उसका साइज जो है सेट करें और कैसे हम दोस्तों उसको इजिली जो है अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही जो है सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप दोस्तों सबका, चाहे फोटो हो चाहे सिग्नेचर हो, उसका जो है साइज कैसे सेट कर सकते हो और कितना भी जैसा भी हो, मतलब मैं सारा कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको जो इस वीडियो को स्टेप स्टेप बाय जो स्टेप जो है ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों चलते हैं, फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं जो आपसे सबसे सिंपल एंड दोस्तों सबसे शॉर्टकट तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है कुछ भी ज़्यादा जो ज़्यादा कुछ मेहनत आप करने की जो है आपको दोस्तों ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस दोस्तों, आपको जो है चाहे आप NSDL का जो है पैन कार्ड बना रहे हो, चाहे दोस्तों आप जो है UTI का जो है पैन कार्ड बना रहे हो, तो दोस्तों आपको सिंपली जो भी आप ब्राउज़र जो है आप ओपन करते हो, आपको सिंपली दोस्तों ब्राउज़र ओपन कर देना है। देन यहाँ पे जो है जैसे गूगल होम पर ही जा जाएगा, यहाँ पे सर्च बार में आपको दोस्तों टाइप करना है NSDL पेन रीसाइज, पेन सिग्नेचर रीसाइज। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे यहाँ पे एंटर करोगे तो आपके सामने दोस्तों ये वाला लिंक आपको देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों यहाँ पे जो है एक लिंक देखने को मिल रहा होगा, जो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे लिंक है पेन कार्ड रीसाइजर फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट रीसाइजर। आपको सिंपली दोस्तों इस लिंक पे जो है क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे आप दोस्तों इस लिंक पे जो है क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली जो है आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों टॉप पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा पेन का फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपके सामने जो है यहाँ पे दोस्तों आपको तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अपलोड रिक्वायरमेंट एंड एडिटर। उसका दोस्तों आपको जो है यहाँ पे ड्रॉप योर फोटो ईयर एंड सेलेक्ट फाइल का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और नीचे दो ऑप्शन आपको और देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो यहाँ पे अपलोड करना है, देन उसके बाद रिक्वायरमेंट एंड एडिटर। तो उसके बाद दोस्तों हम जो है यहाँ पे जो सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपके जहाँ पे भी जो है आपकी फोटो सिग्नेचर एंड आधार कार्ड रखा हुआ है, आपको सिंपली वहाँ पे आ जाएगा। आपको जैसे आप सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे फोटो। ठीक है, हमें फोटो यहाँ पे क्लिक करी तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो हमारे सामने शो ऑफ हो चुकी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ पे आपको डिपेंड करता है अगर आप जो है NSDL से साइड से बना रहे हो या UTI की साइड से बना रहे हो। जैसे दोस्तों हमें जो है यहाँ पे NSDL की साइड से बनाना है, तो हम यहाँ पे जो है सबसे पहले क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपको जैसे ये फोटो है या सिग्नेचर है या डॉक्यूमेंट, तो अगर जैसे फोटो है तो आपको सिंपली इस पर टिक कर देना है, एंड सिग्नेचर है यहाँ पे टिक कर देना है, एंड जो अगर आधार कार्ड है तो वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे दोस्तों हम NSDL पे क्लिक करते हैं एंड फोटोग्राफ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे नेक्स्ट के क्लिक कर देते हैं। अब जो है यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस हो जाएगा, अब आपकी फोटो जो है ऐसी आ चुकी है। तो दोस्तों आपको जो ये वाला जो फ्रेम आपको देखने को मिल रहा होगा, इस फ्रेम के अंदर दोस्तों आपकी फोटो होनी चाहिए। तो दोस्तों आप जो माउस का जो क्रजर होता है, जो बीच में एक मतलब जो घुमाने वाला होता है, जो भी बोलते हैं उसको, उससे जो है आप इसको जूम इन कर सकते हैं, नहीं तो आपसे यहाँ से भी जो है कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों आप जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट बना सकते हो, यहाँ से दोस्तों आप जो प्रीव्यू देख सकते हो, एंड यहाँ से जो है आपको डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको जो है सेटिंग करते हैं। ये जो आपको फ्रेम देखने को मिल रहा हो दोस्तों, इस फ्रेम के अंदर जो है आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे सेट हो चुकी है। उसका दोस्तों हमें यहाँ से डाउनलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे हमारे यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको जो है फोटो यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, हमारी फोटो जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं यहीं बैक, यहाँ पे फिर हम अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस फोटो को यहाँ से डिलीट कर देंगे। देन सेम वही प्रोसेस, सेलेक्ट फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमारी बारी है दोस्तों सिग्नेचर की, यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे। देन वही प्रोसेस दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट किया, यहाँ से जो है NSDL पे रन दिया, यहाँ से आप फोटोग्राफ से दोस्तों अब जो हमें जो है यहाँ पे सिग्नेचर वाले पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो नीचे आपको दोस्तों एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, रिसाइज ओरिजिनल एंड रिसाइज सिलेक्टेड एरिया। दोस्तों इसको जो आप फिलहाल आपको जब जैसे मैं बता रहा हूँ, जो इससे पहले फोटो करी उसको जो है यहाँ पे रिसाइज सिलेक्ट एरिया पर रहने देना है, और जो सिग्नेचर कर रहे हैं उसको भी जो है यहाँ पे रिसाइज सिलेक्टेड एरिया पे ही रहने देना है। तो यहाँ पे क्लिक किया सिग्नेचर पर, उसको दोस्तों सिंपली यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है देख सकते हो हमारा जो सिग्नेचर है वो फोटो सेलेक्ट नहीं आ रही है। तो दोस्तों हमें जो थोड़ा सा इसको जूम इन करना है, जूम आउट कर देना है। तो आप यहाँ जो है दोस्तों देख सकते हो जैसे इतनी बड़ी है, तो इसको हम तो इसको जो हमें सिंपल सा जो है जूम आउट कर देना, तो हमारा जो सिग्नेचर वाली फोटो यहाँ पे क्लियर आ चुकी है। बाकी दोस्तों इसमें भी सेम प्रोसेस, यहाँ से जूम हो जाएगा, यहाँ से जो इसका ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको डाउनलोड कर देना है, डाउनलोड पर क्लिक करोगे और यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया,
और दोस्तों आप जो यहाँ देख सकते हो नीचे पे जो है आपको जो है डाउनलोड देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा सिग्नेचर डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे फोटो डाउनलोड हो चुकी है। उसके दोस्तों अब बारी है लास्ट में हमारे जो है आधार कार्ड की, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ सेम वही प्रोसेस, अपलोड पे क्लिक कर देना, यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना, सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन ओपन किया, यहाँ पे जो है हमारे आधार कार्ड रखा हुआ है, इसको ओपन किया, सेम वही प्रोसेस दोस्तों यहाँ से जो है इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों एन एस टी पे रहने दिया। अब यहाँ पे दोस्तों इसका हम है जो है आधार कार्ड को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और दोस्तों यहाँ पे जो है रिसाइज ओरिजिनल पे ही इसको रहने देना है, ये अपने आप जो यहाँ पे सेट हो चुका है, इसको अपने कुछ भी नहीं छेड़ना है उसका। दोस्तों सेम सेम वही प्रोसेस, नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारे यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड जो है आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। इसके बाद इसमें भी दोस्तों सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे जो है आप ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट जो है सेटिंग कर सकते हो, एंड यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और डाउनलोड कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, क्यों दोस्तों ये वाला जो सेक्शन होता है आधार कार्ड को जो है पीडीएफ में ही जो है अपलोड करना होता है, पीडीएफ पैन कार्ड वाली साइट पे, तो ये अपने आप जो है पीडीएफ में जो है जेपीजी से डायरेक्ट जो है पैन कार्ड में सॉरी पीडीएफ में वाली फाइल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों चलो अब देखते हैं हमारी जो फाइल है वो कहाँ पे आई है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे यहीं पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे जो है हमने शो फोल्डर पे क्लिक किया, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं जो है इनका साइज़ भी दोस्तों बता देता हूँ, तो यहाँ पे जो है देख सकते हो हमारा जो है तीनों का जो है साइज़ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा। सबसे पहले दोस्तों आप जो है यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो आ गई है, सिग्नेचर आ गया, एंड जो बीच में बीच का है पीडीएफ वाली फाइल वो आधार कार्ड है, और 299 के आसपास इसका जो है साइज़ वहाँ पे मांगा जाता है। तो दोस्तों आप जो आप आपको जो है इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली जो है यहाँ से बारी बारी करके एक एक करके जो आपको पैन कार्ड वाली साइट पे जो है अपलोड कर देना, फोटो की जगह फोटो सिग्नेचर आधार कार्ड एंड सिग्नेचर, दोस्तों ये साइज़ बिल्कुल सेट हो चुका है, आपको इससे ज़्यादा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है, जैसे मैंने तरीका आपको बताया, आई होप आपको जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और दोस्तों वो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा जो भी मैंने ये चीज़ें बताया तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करना, और दोस्तों अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो दोस्तों काफ़ी लोगों को जो है देखा है मैंने बस वीडियो को देखते हैं लेकिन ना लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको दोस्तों वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप जो है वीडियो कमेंट कर सकते हो कि आपकी वीडियो में ये कमी है ये प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूर आप जो है मेंशन कर सकते हो। आई होप मैं आगे अगली वीडियो में जो है उसको जो है अच्छे से और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, बट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो जो है लाइक करें शेयर करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलना आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।